आगे आगे चल फिसल ले फिसल ले। एक ऐसा सफर जो शुरू तो मैंने अकेले किया था लेकिन खत्म हुआ बहुत सी रोमांचक यादों के साथ। और ये सफर है चादर ट्रैक का, जो शुरू होता है आपका लेह पहुंचने से। चादर ट्रैक सीरीज के तीसरे एपिसोड में मैं चादर ट्रैक के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। चादर ट्रैक के लिए आपको 9 दिन चाहिए होते हैं, जिसमें आप दिल्ली से चलकर वापस दिल्ली पहुंच जाते हैं। बस आप ये जान लो कि जब तक आप चादर पे हो, चलना ही जिंदगी है। तो शुरू करते हैं चादर ट्रैक के बेस कैंप से। चादर ट्रैक का बेस कैंप है तिलाट 2 पर, जो लेह से लगभग 75 किलोमीटर। और यहां आप पहुंचते हैं अपने ट्रैक के दूसरे दिन ड्राइव करके। और ये आपका पहला अनुभव होता है फ्रोजन रिवर पे चलने का और रात बिताने का, वो भी कैंप में -25 से -30 टेम्परेचर के बीच। अगले दिन मतलब तीसरे दिन आपको 10 किलोमीटर चलना होता है और पहुंचना होता है सिंगराकोमा। ये आपका पहला दिन है जब पूरे दिन आप चादर पे चलते हो, उसे फील करते हो। सिंगराकोमा से अगले दिन 15 किलोमीटर चलकर पहुंचते हैं टिब केव, और यही आपके चौथे दिन का नाइट स्टे होता है। पांचवा दिन, आज आपको 12.5 किलोमीटर चलना होता है नरेक के लिए, जो चादर ट्रैक का लास्ट पॉइंट है। और यहां है एक बहुत ही खूबसूरत काफी बड़ा वाटरफॉल। हालांकि हम नरेक नहीं जा सके क्योंकि चादर टिप केप से थोड़ा ही आगे टूट गई थी और बहुत रिस्की हो गई थी, तो हमने आगे ना जाने का फैसला किया। क्योंकि अगर नेचर आपको रोक रही होती है तो उसका सम्मान करना चाहिए और वही करना चाहिए जो नेचर चाहती है। उससे बड़ा और शक्तिशाली कोई नहीं है। नेचर नहीं चाहती आप आगे जाओ तो आप आगे मत जाओ। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, चादर ट्रैक की नहीं, ये हर जगह की बात है। आज पता है क्या है? आज देख गर्मी हो रही है, बादल हो रहे हैं, स्नोफॉल हो सकती है यार। वैसे फ्रोजन रिवर पे 75 किलोमीटर चलना सच में एक बड़ी उपलब्धि तो है, जबकि आपकी सरफेस सुपर स्लिपरी है। भरा ही नहीं तुमने पानी? पकड़ना एक सेकंड। कल तो पैर का ही है यार ये पानी। सही है यार ये बॉटल में। चलो काफी बुरा लग रहा है इनको, बाल सेट कर लें। कहाँ निकल गई टॉपी? टुडे वी हैव टू वॉक 20 किलोमीटर्स टू रीच आवर बेस कैंप, वी आर टर्निंग बैक। बाय। छठे दिन आप नरेक से वापस टिप केप के लिए चलते हैं, और अगले दिन जो कि आपका 7वां दिन है, टिप केप से सिंगराकोमा
और आठवें दिन सिंगराकोमा से तिलाडो ट्रैक करके पहुंचते हैं। और ये आपका लास्ट दिन है इस रोमांचकारी यात्रा का। जाओ जाओ भैया, किसी लड़की को अकेला छोड़ दिया किसी ने। आई फील बैड अबाउट हर बट आई कांट हेल्प हर। चलो, आज काफ़ी वीरानगी है, रंगत भी उतर गई है बर्फ की। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस इज द प्लेस वेयर राफ्टिंग हैपेंस इन द समर्स, सो यू कैन गॉज आराम से, पतली आई से आराम से लाइट करेंगे। As you can see, this is a very, very thin layer of ice. This can break, and if this breaks, we are in danger. Let's try not to fall. आप देख सकते हो इस बर्फ की चादर के नीचे जंस्कार बह रही है, कहीं कहीं ये विजिबल है, कहीं कहीं नहीं है विजिबल। तिलाडो पे आपके ऑर्गेनाइजर की गाड़ियां आपको लेह वापस ले जाने का इंतजार कर रही होती हैं, और इस तरह आप ट्रिप के आठवें दिन वापस लेह पहुंच जाते हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छा खाना खिलाया 4 दिन तक, उसके बाद ट्रैक खत्म। बहुत एंजॉय किया, जिन्होंने भी स्वीट डिश भी दिया, जरूर देंगे। हाँ क्या है? हाँ वाह, क्या है यार ये अंदर इतना, ये कैसे बन गया डिजाइन यार? तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि जब तक आप चादर पे हो सिर्फ चलना ही जिंदगी है। अगर आपको जंस्कार के ठंडे पानी में डुबकी लगानी है तो आप यहाँ तिलाडो में लगा सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि पानी का तापमान काफ़ी कम होता है, इनफैक्ट माइनस में होता है, जो आपके दिमाग की नसें जमा सकता है। तो एडवेंचर की सीमा पार करके ट्रेजडी में ना जाएं, जीवन अमूल्य है, इसका सम्मान करना चाहिए।